हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी ईटिंग विद शिखा। मेरे सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत वेलकम। आज की रेसिपी है ये बिल्कुल क्रिस्पी करारे कुरकुरे केरला के बहुत ही फेमस बनाना चिप्स। जी हाँ, कच्चे केले के चिप्स। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये। रेड सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस फ्री में देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मुझे लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने लिए हैं 2 कच्चे केले और मेरे पास जो वैरायटी है ये अंदर से वाइट है, इसलिए इसके चिप्स बनते हैं वाइट कलर के। जो केरला स्टाइल चिप्स हैं वो येलो बनते हैं क्योंकि वहाँ पर यूज़ होता है सूरती वैरायटी का बनाना। ये कच्चा बनाना भी येलो कलर का होता है इसलिए इसके चिप्स बनते हैं येलो। तो आपके पास जो भी वैरायटी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिए। इसके साथ में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून पानी और 2 छोटे चम्मच नमक। साथ में मैं ले रही हूँ ऑयल, जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, जिसमें हम ये चिप्स को फ्राई करेंगे। तो बस इन केलों को हम पील कर लेते हैं। ये जो ग्रीन छिलका है इसको आप इस तरीके से पील कर लीजिए। एक बार में बहुत सारे केले पील नहीं करिएगा क्योंकि जब एक बार हम इनको पील कर लेते हैं तो ये काले पड़ने लगते हैं। तो एक बार में बस एक केला या बहुत हो तो 2 इतना पील कर लीजिए और चिप्स कटर से इनके चिप्स निकाल लीजिए। तो देखिए इस तरीके से चिप्स काट लीजिए इनके। मोटा चिप्स कटर होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिल्कुल एक्चुअल केरला स्टाइल बन जाएंगे चिप्स। तो ये मैंने एक केले के चिप्स निकाल लिए हैं। इसको आप प्लेट में थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए तो आपको कढ़ाई में डालने में इजी रहेगा। और इसमें आप डिले मत करिएगा, बिल्कुल बस तुरंत चिप्स निकालिए और तुरंत गरम गरम तेल में इनको इस तरीके से स्प्रेड करते हुए बिखेरते हुए डाल दीजिए। तो एक एक चिप्स को ऐसे अलग अलग करते हुए ऑयल में डाल दीजिए। अब मैंने जो यहाँ पे चिप्स काटे हैं ये बहुत पतले हैं क्योंकि चिप्स कटर भी मेरा थोड़ा पतला था। तो बस इनको 15 सेकेंड के लिए हम वेट करेंगे, इनको इस तरीके से ही होने देंगे। अगर आप मोटे चिप्स काट रहे हैं तो आप आधा मिनट रुक लीजिएगा। इनको ओवरक्राउड मत करिएगा, जितनी बड़ी आपने कढ़ाई ली और जितना ऑयल लिया है तो उस हिसाब से ही चिप्स को डालिएगा। मैंने यहाँ पर एक केले के चिप्स डाल दिए क्योंकि मेरे पास इसमें डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है कढ़ाई में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये पानी। हाँ जी हाँ, मैं पानी डालने जा रही हूँ ऑयल में। तो मैंने इसमें नमक मिक्स कर दिया है और इसका एक छोटा चम्मच बस मुझे एक बार में यूज़ करना है। तो एक केले में एक छोटा चम्मच ये लिक्विड हमें डालना है और हम ऑयल में ही पानी को डालने जा रहे हैं। थोड़ा सा स्प्लटरिंग होगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक्चुअल साउंड सुना देती हूँ कि मैंने जब ये डाल दिया है ऑयल में तो क्या होता है। ये ऐसा कुछ भी डरिएगा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा स्प्लटर करेगा, बहुत इधर उधर उछलेगा, बहुत छींटे पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा सा साउंड आएगा, आने दीजिए। और इसको अभी आधे मिनट तक फिर से टच नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। मिनट हो चुका है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं एक बार इस तरीके से। और आपको जो साउंड आ रहा है ये आने दीजिए। जब ये साउंड आना बंद हो जाए तो बस तब आप चिप्स को बाहर निकाल लीजिए। अब अगर आपने चिप्स बहुत पतले काटे हैं, जैसे कि मेरा भी कटर थोड़ा पतला ही था, तो देखिए बहुत जल्दी ये ब्राउन होने लगे हैं। एक्चुअल केरला स्टाइल चिप्स थोड़े से मोटे कटते हैं, तो अगर आपको थोड़ा मोटा कटर मिल जाए तो और अच्छी बात है। आप चाहो तो चाकू से ट्राई कर सकते हो। साउंड इज स्टिल कमिंग, कोई बात नहीं, इनको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर लीजिए। और आप देखिए आवाज़ है ना कम होती जा रही है, बस ऑलमोस्ट बंद। मैं आपको एक्चुअल साउंड जो मैं सुना रही थी वो बंद कर देती हूँ। तो बस ये हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। तो बस इस तरीके से छन्नी में निकाल लीजिए, ऑयल भी ड्रेन हो जाएगा और इनको पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए, ये सॉगी नहीं होगा। सेकंड बैच भी हम फ्राई कर लेते हैं। जो सेकंड केला था मेरे पास उसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ।
यही याद रखना है बस कि जल्दी जल्दी चिप्स काटेंगे और डिले नहीं करेंगे, तुरंत गर्म तेल में इनको फ्राई करेंगे, शुरू के 15-20 सेकंड तक टच नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें एक छोटा चम्मच एक केले में नमक का पानी डालेंगे और उसको कुछ देर तक फिर दोबारा टच नहीं करेंगे। उसके बाद फिर इनको फ्राई करेंगे, जब तक साउंड आ रहा है तब तक फ्राई करेंगे और उसके बाद इनको हम निकाल लेंगे। नमक डालने का यही प्रोसीजर है, पहले नमक मत डालिएगा और ना ही फ्राई करने के बाद ऊपर से छिड़कना है, नमक हमें ऐसे ही ऐड करना है। तो ये हमारे क्रिस्पी चिप्स एकदम रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको बनाना चिप्स कैसे लगते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।